हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेस। तो आज सभी लोग के लिए एक बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस अपडेट को। अभी अभी जस्ट यहाँ ये सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। UPPCL TG2 यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें टेक्नीशियन 2 रिक्रूटमेंट आया है। सॉरी बच्चों, TG2 रिक्रूटमेंट 2022 और बम्पर वैकेंसी, इसमें टोटल फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया UPPCL के साइट पे। हम लोग एक बार डायरेक्ट आपको वहाँ पर ले चलेंगे और दिखाएंगे। साथ ही साथ बम्पर जॉब अपडेट इसमें है, वैकेंसी आउट हो चुकी है। टोटल पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी 891 है। ये देख लीजिए, तकनीशियन विद्युत के लिए यानी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वैकेंसी आई है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। जैसे कि हम लोग क्रोम ब्राउजर पर आ गए यहाँ पर से। जो जो बच्चे नए हैं, जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जो जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप लोग सर्च कर लीजिए UPPCL, यहाँ से डायरेक्ट जो आपको पहला दिखेगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए वैकेंसी रिजल्ट यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो देख लीजिए सबसे पहले अभी जस्ट आया है 16 तारीख को। एडवर्टाइजिंग फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल अग्नेस, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख लीजिए 10 एफ जो लगते VSA 2022 टेक्नीशियन यानी विद्युत वालों के लिए वैकेंसी आई है। भी डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करके हम लोग डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे पूरा अच्छे तरह से। जैसे कि डाउनलोड हो चुका है, नोटिफिकेशन पढ़ के आपको बताते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से निकट मंत्री आवास विद्युत खंड फेज 2 गोमती नगर ये पता दिया गया है। विज्ञापन सखीब यहाँ पर देख सकते हैं, तकनीशियन विद्युत के वैकेंसी आई है। तकनीशियन विद्युत का अनारक्षित यानी UR में टोटल वैकेंसी 357 है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वालों के लिए 241, 187 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 17, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं उनके लिए 89 वैकेंसी आई है। तो बारी से हम लोग देखें इसमें UPPCL TG2 का वैकेंसी आ चुका है। आप लोग जाकर देख सकते हैं कब से अप्लाई करना है, सारे नोटिस आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ UPPCL JEE का भी जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, 1 से 2 महीने में या 10 से 20 दिनों में UPPCL JEE डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये भी ITI वालों के लिए है, टेक्नीशियन 2 की वैकेंसी यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। इन रिक्त की संख्या घटाने में बढ़ाने का अधिकतर मतलब घटाया तो बढ़ाया नहीं जा सकता है। टोटल 891 में ही वैकेंसी आपको देखने को मिली। सैलरी आपको देखिए 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत मेट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत 27,200 से स्टार्टिंग सैलरी होगी। साथ ही भत्ता कॉरपोरेशन की तरफ से भी मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए अपने क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका मांगा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा, मतलब उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल है तो या कहीं से भी आपका समकक्ष परीक्षा अटेंड कराना चाहिए। विज्ञान एवं गणित विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से 1-2 वर्षीय अखिली भारतीय मतलब कि RTI आपका अनिवार्य किया गया है। RTI NCVT या SCVT का होना आवश्यक है। आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ITI से किए होंगे तो सभी लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं। साथ यहाँ पर देख सकते हैं आयु दिनांक कब से मांगा, 1-1-2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आपका आयु 1-1-2022 को कितना होना चाहिए, 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष रहना चाहिए। आयु में छूट भी मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल की छूट मिला है। सभी लोग देख लेंगे अच्छे से। इस नोटिफिकेशन को आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर भी हम लोग भेज देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। देख लीजिए फॉर्म भरने का आवेदन शुल्क यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 826 रुपये है, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे उनके और अन्य सदस्य के लिए मैंने उत्तर प्रदेश से अलग हैं उनके लिए 1,180 रुपये लगेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा और कुछ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे जानते होंगे चयन प्रक्रिया के CBT के आधार पर यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल 3 घंटे की एग्जामिनेशन होती है। इसमें से आपका सिलेबस जो रहेगा वो देख लीजिए, 4 को सही में अगर 1 गलत होगा तो 1/4 अंक काट लिया जाता है, ये तो सभी जानते होंगे। समान अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान से 20 प्रश्नों की संख्या होती है, 20 अंक होते हैं। साथ ही साथ समान हिंदी से 15 अंक, 15 अधिकतम अंक 15 मार्क्स 15 प्रश्नों की संख्या रहेगा। समान हिंदी से समान अंग्रेजी भी 15 क्वेश्चन का रहेगा। साथ ही तकनीक विषय का ज्ञान से 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 150 नंबर का टोटल 200 नंबर का 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में लिखा गया है। एडमिट कार्ड आपका WWEPPCL ऑर्गेनाइज से डाउनलोड करना होगा जल्द ही। इसका एग्जाम की तारीख भी देख लेते हैं, वो भी दिया गया है।
जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र करने के 27 सितंबर से 19 अक्टूबर तक होगा। पेमेंट किस तरह से करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक चालान के द्वारा इस तरह से कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित अवधि नवंबर 2022 के चतुर्थ, यानी नवंबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्या नवंबर लास्ट में एग्ज़ाम है, जो तैयारी करने वाला तैयारी अच्छे से करिएगा, जल्द से जल्द कम समय में ही आपका यहाँ नीचे दिया गया। तो जैसे कि आप लोग देखे वीडियो के माध्यम से हमने बताया, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए टोटल 826 वैकेंसी आई है। तो जाइए आप लोग, सॉरी यहाँ पर कोड 826 दिया, टोटल 891 वैकेंसी। कितना वैकेंसी है, 891। तो जो जो इस फॉर्म का एलिजिबल होंगे उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, जल्द से जल्द PPCL JEE में भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।